राणा विधानसभा के गांव गोसाईखेड़ा में भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली का भव्य स्वागत हुआ। भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास के काम किए हैं, जो जन कल्याण की नीतियां चलाई हैं और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुँचाने का काम किया है, मोदी जी के विकास की गारंटी, मोदी जी के विश्वास की गारंटी आज लोगों की समझ में आई है। एक तरफ वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जो आज दूसरे दिन का प्रवास जुलाना विधानसभा का है और आज बारा गांव है, आज ये गोसाईखेड़ा की चौपाल में हम पहुंचे हैं, मोहन चौपाल में, और गांव वालों का प्यार, गांव वालों का आशीर्वाद और गांव वालों का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के काम किए, जो जन कल्याण की नीतियाँ चलाई और गरीब का हक गरीब के घर तक जो पहुंचाने का काम किया है, और मोदी जी ने जो विकास की गारंटी, मोदी जी के विश्वास की गारंटी आज लोगों की समझ में आई है और लोग एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है और बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की होगी। बड़ा हल्का पिछली दफे 13,000 कुछ वोटों से जीत हुई थी और अब की बार जुलाना विधानसभा से 30,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये इस प्रकार का जवाब उन पार्टी के नेताओं से पूछो या गांव वालों से पूछो, भारतीय जनता पार्टी को पूरा मान सम्मान, पूरा प्यार लोगों का मिला है और जनता का मिला। भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि पिछली बार जुलाना विधानसभा से लगभग 13,000 वोट से जीत हुई थी, अब की बार जुलाना विधानसभा से 30,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि सोनीपत लोकसभा से बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। जो लगातार 10 वर्षों से देश में विकास के काम किए, सर्व समाज की भलाई के काम किए और देश के गौरव को बढ़ाने का जो काम किया, उन सब को ध्यान में रखते हुए आप सबसे निवेदन है, मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, और तीसरी बार मोदी सरकार, ये जो मोदी जी का संदेश और मोदी जी का दूसरा संदेश है कि मोदी जी की राम राम प्रत्येक घर तक और प्रत्येक गुरु तक जाए, वो राम राम भी मैं आवाज आपको देना चाहता हूँ, मोदी जी की राम राम के साथ आने वाली 25 मई को आपने लाइन में लगे हुए आदमी को भी राम राम याद दिलाते रहना है और भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को बटन दबा के अपने भाई को, अपने बेटे को देश की सबसे बड़ी संसद में भेजने का काम करेंगे। मैं आपकी दिन रात सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, यही निवेदन और प्रार्थना करें आपके बीच में आता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।